प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, ओ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैं क्या कहता हूँ, वो जेठापुरा से जाके मिलते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है कि जेठालाल को बिना परेशान किए हम लोग उसकी इस केस में कैसे मदद कर सकते हैं, ये सोचते हैं। वही तो कह रहे हैं। हाँ, बरोबर है। सही बात है, अगर जेठा भाई को हम लोगों की जरूरत पड़ी तो वो बिना संकोच हम लोग को बुला लेंगे। बरोबर हाथी भाई। भाई मैं तो कहता हूँ एक जासूस रख लो। जासूस? मेरा मतलब है अगर हम एक जासूस रखे तो। जाते क्यों? अरे भाई वो गुलाबो कहाँ जाती है, किसको मिलती है, क्या बात करती है, सब पता चल जाएगा। लेकिन पोपट भौजी, वो गुलाबो पूरा दिन झोपड़े में ही रहती है, कहाँ बाहर आती जाती है, और बात कर करके वो ज्योति और ज्वाला से तो बात करती है, उसमें क्या जासूसी करेंगे? नहीं का जासूस रखने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो जेठा भाई के लिए ठोस सबूत ढूंढना है। हाँ, पर ये सबूत ढूंढे भी तो कैसे? मेरा तो समझ में नहीं आ रहा ये जेठालाल का चक्कर क्या है। क्या अय्यर भाई, आप जेठा भाई पे शक कर रहे हो? उसका कोई चीज़ एक मिनट देखो, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जेठालाल कोर्ट में जिस तरीके से जवाब दे रहा था, उससे मेरे को नहीं लगता है कि उसके बाद कोई सबूत होगा। अच्छा, अरे अय्यर भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जेठालाल के पास कोई सबूत नहीं है? नहीं देखो पवड़लाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो जेठालाल के पास कोई सबूत होता तो वो पता था ना। पर अभी तो कोर्ट के डिसीजन में 7 दिवस बाकी है ना, तो मुझे क्या लगता है तब तक कोई ना कोई सबूत चौकस मिलेगा। शाबाश रोशन, रब जी की कृपा से जरूर मिलना चाहिए। सही बात है, दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाहगार भी कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। हाँ, पर वक्त पर सबूत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कायदे से गुलाबो जेठालाल गड़ा बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिर हमें गुलाबो को भाभी बोलना पड़ेगा। हाँ? आर यू? ओए पप्पू, ओ की गल कर रहे तू? ओ मैं तो सिर्फ दया भाभी को ही भाभी बोलूंगा, दया भाभी के सिवा किसी को भी भाभी नहीं बोलूंगा। अरे भाई, इस वक्त हम लोग कोर्ट के फैसले के बाद की बात क्यों सोच रहे हैं? बी पॉजिटिव। हाँ भाई, आती भाई की बात बिल्कुल बराबर है, कोर्ट के फैसले के पहले ऐसा वैसा सोचना कैंसिल। ओहो, हमें अभी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जेठा भाई को जल्द से जल्द सबूत मिल जाए। करेक्ट, राइट। हे भगवान, जेठा भाई और उनके परिवार पर आई मुसीबत जब तक दूर न हो जाए, 7 दिन रोज में भोग चढ़ाऊंगी। कोमल, फिर एक काम करना, रोज अलग अलग तरह के भोग चढ़ाना, कभी रसगुल्ले, कभी रसमलाई, कभी पेड़े, कभी हंस। सॉरी भगवान जी, मैं भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ ये केस जेठा भाई ही जीते। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जीओ, साढ़े जेठा भरा की रक्षा करना, उन्हें पूरे परिवार से अपना मेहर भरिया हाथ रखना, और सच्चे पातशाह जीओ वो गुलाबो नू जरा सदबुद्धि बख्शो ताकि ये उल्टे पुल्टे काम छड़ के सीधे रस्ते ते चले। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जटो साहब जी, गुरु नानक जी, तुम्हारी मेहर हो जो जी, दया बेन के विश्वास का साथ देना। वाहे गुरु जी, खुदाई जी, मम्मी पापा दोनों की विश पूरी कर देना, तो अपने टप्पू पर भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हे घंटा कर्ण महावीर दादा, आपने हमेशा हमारे परिवार को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, और मुझे पूरा विश्वास है आज भी आप अपनी कृपा दृष्टि टप्पू के पापा पर रखेंगे और उनको संकट से निकालेंगे। दादा, जैसे आपने दुष्टों का नाश किया है, वैसे ही गुलाबों के दुष्ट इरादे को अपने तीर से नष्ट कर दीजिए और हमारे दुख दूर कर दीजिए भगवान। ओम घंटा कर्ण महावीर, रक्ष रक्ष महाबल, रक्ष रक्ष महाबल, रक्ष रक्ष महाबल। मोहन प्यारे जी, अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है। 2 दिन में कोई सबूत नहीं मिला तो 3रे दिन कोर्ट में मेरा चौथा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे की डेट मिल जाए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और कुछ रास्ता सोचता हूँ मैं, पर आप जरा संभल के जेठालाल जी, आपके ग्रहों में राहु की कुदृष्टि है, शनि और राहु दोनों एक साथ चल रहे हैं। अरे वकील साहब, आप भी कमाल करते हो यार, अभी ग्रहों की चाल मत देखिए, इन ग्रहों से कैसे बाहर निकलना ये बताइए। हाँ। मैं तो सोचता हूँ, तब तक आप भी कुछ सोचिए। अरे हम भी सोचेंगे तो आप फीस किस बात की ले रहे हैं? अरे फीस ली कहा मैंने आपसे, जब मैं ये केस जीतूंगा तभी तो आप खुश होकर फीस देंगे ना, हार गया तो वकालत के कॉलेज में जो मैंने फीस दी है सब बेकार जाएगी। अरे भाई, यहाँ मेरा पूरा परिवार दाव पे लगा है और आपको अपने कॉलेज की फीस की पड़ी है। शांति रखो जेठालाल। अरे कैसे शांति रखूं मेहता साहब, ये वकील साहब बस ग्रहों की बातें करते रहते और कुछ करते ही नहीं है। आप भी वकील साहब फीस की सोच रहे हैं, इनकी टीस की नहीं सोच रहे। देखिए मोहन प्यारे जी, टाइम बहुत कम रह गया है, प्लीज कोई रास्ता सुझाइए वरना हम लोग बहुत बुरे फंस जाएंगे। अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। મારા મગજની નસ નહીં ખેંચ ખોટાણી, તને તો એટલું પાપ લાગવાનું છે, તે મારી આંતડી કકડાવી છે, ઉપર ઓડે બધું જોવે છે, તને તો એટલું પાપ લાગવાનું છે, તું યાદ રાખજે। અરે અહીંયા ને કહેરા અહીંયા જ ભોગવવાનો છે, યાદ રાખજે। અરે કે સાંધો છો મહેતા સાહેબ, પર ગુસ્સા કરને સે ક્યા ફાયદા છે, સાલ ઉલટા તબિયત ખરાબ હોગી। ક્યા હુઆ તારક, વકીલ ને ક્યા કહા? નહીં નહીં અંજલી, વકીલ ને એસા કુછ, वकील ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अंजलि, बस बोला है चलाता है वो, कोई चक्कर चलाता है। मेहता साहब बोल देता हूँ, उस वकील ने कोई चक्कर नहीं चलाया ना, तो इस पहाड़ी के चक्कर में मैं घन चक्कर बन जाऊंगा या फिर कहीं रफू चक्कर हो जाऊंगा। इतनी बार अगर चक्कर चक्कर करोगे जेठालाल तो चक्कर खा के यहीं गिर जाओगे। अरे उस प्यारे मोहन ने कोई चक्कर नहीं चलाया ना, तो सच में चक्कर खा के गिर जाने की नौबत आने वाली है। जेठा भाई, जेठा भाई इतने परेशान मत होइए। अरे परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ अंजलि भाभी, एक फोर्ड लड़की कितने दिनों से हमारे सोसाइटी में धमा डाल के बैठी है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। जेठा भाई हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि मैं जेठालाल से बात करता हूँ, तुम जरा 2 कप चाय लाओ ना। हाँ। दूध वाली। हाँ? जेठा भाई के लिए तो दूध वाली ही लाऊ। बैठो। एक काम करो जेठा भाई, मेरे ख्याल से तुम गुलाबों से थोड़ा सा इमोशनल होके, थोड़ा सा भावुक होके बात करो और उसके मन की बात जानने की कोशिश करो। ऐसी एक्टिंग करो कि तुम्हारी बातों में आके वो सच सच उगल दे कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे उसका असली मकसद क्या है। एक्टिंग का तो नाम ही मतलब मेहता साहब, बरसों पहले गलती से एक बार एक्टिंग की थी, उसका क्या अंजाम हुआ देख रहे हैं ना आप, रोज सुबह एक नया अवार्ड मिल रहा है मुझे। जेठालाल कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। सब आप मुझ पर शक कर रहे हैं, सिर्फ फिल्म की शूटिंग हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। माता साहब अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो जज साहब क्या खाक करेंगे। जेठालाल मेरे सामने इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ
ये कह रहा हूँ कि दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये यहाँ तक चली आई। देखो जेठालाल, कुछ भी करके उसके मन की बात जानने की कोशिश करो कि आखिर उसे क्या चाहिए, पैसा धन दौलत क्या? पैसा धन दौलत तीनों हो तो एक ही है ना, टेंशन में मैं हूँ क्या? उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा सुख चैन चाहिए। चाय। जेठालाल, तुम मानो या न मानो, मुझे लगता है उसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो मेहता साहब, अभी उसको जितना चाहिए उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ। 50-60 हजार दे दो। जेठालाल, ये 50-60 हजार का मामला नहीं है। तो लाख दे देता हूँ। जेठालाल, ये लाख दो लाख का मामला भी नहीं है भाई। तो अरे, अब तो कोर्ट वकील इन सब का खर्चा भी हो गया। मेरे ख्याल से जेठालाल, ये कम से कम 20-25 लाख रुपए का मामला है। 20-25 लाख? हाँ, ऐसा मेरा मानना है जेठालाल। हो सकता है तुम उससे मिलके बात करो तो वो कम में मान जाए। लेना नहीं देना बिना मतलब का इतना बड़ा नुकसान। ठीक है चलो, मिल लेता हूँ, लेकिन कहाँ मिलूँ? अरे कहाँ क्या, उसके झोपड़े में। क्या झोपड़े में? मैं उसको वहां मिलने गया और उसने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तो पूरी सोसाइटी के सामने तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा ना, कि मैं उसको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। सो तो है जेठालाल, फिर एक काम करते हैं, उसको एसएमएस करके कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। उसके पास मोबाइल है? और मान लो है तो नंबर क्या है? और मान लो कहीं से हमने नंबर का इंतजाम भी कर लिया और मैंने मैसेज भेज दिया तो वो भी उसके पास एक प्रूफ नहीं हो जाएगा? क्या बात है जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो टेंशन में भी बिल्कुल जोरदार काम करता है। तो फिर आऊं कच्ची माड़ू आए। मैं तो सब एक काम करो, आप उसको मैसेज दे के आओ। अरे नहीं, कैसी बातें करो। नहीं भाई, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अंजलि भाभी को भेजे। अरे नहीं भाई, वो बात नहीं कर पाएगी, उससे गड़बड़ हो जाएगी जेठालाल। तो एक काम करते हैं। क्या? सामान देने के बहाने अब्दुल मैसेज दे के आएगा। पूरी सोसाइटी में ढिंढोरा पिटवाना चाहते हो? क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या जेठालाल, अब्दुल भोला है, सोसाइटी के हर घर में सामान देने जाता है, कहीं मुंह से बातों बातों में बात निकल गई तो सारी सोसाइटी को पता चल जाएगा। देखो जेठालाल, ये मामला सिर्फ तुम्हारे और गुलाबों के बीच में ही रहना चाहिए। तो क्या करे? एक काम करो, चिट्ठी लिख के गुलाबों को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। तो बाहर कहाँ, होटल में? नहीं भाई, होटल में तो कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा जेठालाल। तो लल्लू भाई पार्क में? अरे नहीं भाई, वहां तो कई जान पहचान वाले मिल जाएंगे, सारी दुनिया वहां घूमने आती है। तो एक काम करो, मंदिर में मिलने के लिए बुलाओ। क्या मेहता साहब, होटल में मिलने से मना कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी के मंदिर में मिलने को बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या क्या बोल रहे हैं जेठालाल, क्या मंदिर सिर्फ हमारी सोसाइटी में, दुनिया में और कोई मंदिर नहीं है? अच्छा वैसे? हाँ हाँ, ये ठीक है। तो एमजी रोड वाले शिव मंदिर में बुलाओ। शिव मंदिर, हाँ वो ठीक रहेगा। हाँ तो लिखो चिट्ठी। कौन, मैं? लेखक कौन है, मैं कि आप? पर जेठालाल। अरे भाई, अच्छी हिंदी में चिट्ठी तो आप ही लिख सकते हैं ना मेहता साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं? ठीक है। प्रिय गुलाबो। अरे प्रिय प्रिय क्या लिख रहे हैं, प्रेम पत्र थोड़ी लिखना है। गुलाबो जी। अरे भाई, इतना मान सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, खाली गुलाबो, बस खाली गुलाबो। अरे खाली क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई खाली नहीं लिख रहा, गुलाबो लिख रहा हूँ, सिर्फ गुलाबो। मैं तुमसे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई, आप फिर प्रेम पत्र पे आ गए या वेवला वेड़ा, छोड़ो, सीधा सीधा लिखो, जरूरी बात करनी, आ जाओ। लेखक मैं हूँ कि तुम? जेठालाल, इस पत्र में अगर इमोशनल होके लिखेंगे तो थोड़ा सा काम हो जाएगा अपना। देखो भाई, मुझे लिखने दो और अब बीच में मत टोकना।
इसलिए मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेहरबानी करके एमजी रोड के शिव मंदिर पर एक घंटे बाद बुला लूं? हाँ चलेगा। एक घंटे बाद मुझे मिल सकती हो? तुम्हारा ये किसका नाम लिख रहे? तुम्हारा नाम तो लिख नहीं सकते। लेखक हूँ। ये लिख दूंगा, अगर तुम्हारी हाँ हो तो झोपड़े के बाहर आके चिट्ठी हवा में हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। ये इसीलिए मैं आपका बोल रहा था, चिट्ठी आप लिखो, ये सब अच्छा अच्छा आपको सोचता है ना। लिखो लिखो, ये बढ़िया है। अगर आपकी हाँ हो तो झोपड़े से बाहर आकर हवे में चिट्ठी हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। चलो, चिट्ठी तो लिख दी गई है, अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसे पहुंचाए कैसे। जेठालाल, इसको इसमें लपेट के फेंक देंगे, पहुंच जाएगी। नहीं 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 भाई जेठालाल, इसे हाथ मत लगाओ, तुम मरवा दोगे यार, अंजलि प्राण ले लेगी मेरे। अंजलि ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, ये फेंक दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। मिल गया, आला दर्जे का आइडिया मिल गया। हाँ, चलेगा ये भी, चले बिल्कुल। ये थोड़ा सा हो गया। हाँ, अभी इसको बाहर जाके फेंकते हैं। चिट्ठी पढ़ के बाहर आएगी, हवा में ऐसा चिट्ठी हिलाएगी तो हम इधर आपकी खिड़की में से झाँक के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। बाहर नहीं खड़े रहेंगे, चलो आओ। देखो, मैं अरे बचपन में कंचे नहीं खेले? नहीं। कहिए, ये सब क्या है? क्या हुआ? आप आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकते हो और फिर मुझे अकेले मिलने के लिए भी बुलाते हो। कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? मैंने आप पर कोई चिट्ठी नहीं फेंकी। आप पत्रकार पोपटलाल पर गलत इल्जाम लगा रही है। हाय है, ये क्या है? और आपकी थैली में क्या है? आलू। आप बोलो। अरे लेकिन ये आलू मेरी थैली का नहीं है, और ये आलू तो मैं अभी अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ सब्जी बनाने के लिए। अच्छा। और मेरे हाथ में आलू की थैली है, मतलब मैंने आपके ऊपर चिट्ठी फेंकी? ये आलू का पट्टा बीच में कहाँ से आ गया? अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या पोपटलाल? अरे इनको देखो, अब ये जेठालाल को छोड़कर मेरी गर्दन पकड़ रही है, कह रही है कि मैंने इनको आलू में चिट्ठी लपेट कर बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाया। अरे बाप रे। नहीं नहीं, देखिए आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया होगा। माना हमारे पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो इस तरह की आलू जुलूल उलझुल हरकत नहीं कर सकता। आप इसे जाने दो। अरे जाने दो क्या जाने दो, और क्यों जाने दो भाई? ये चिट्ठी किसने फेंकी ये मैं पता लगा कर रहूंगा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। किसको बुलाएगा? हस्तलिपि विशेषज्ञ। हमारी सोसाइटी में से ये हरकत जिसने भी की है उसे पकड़ कर आऊंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल, ये तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने जा रहा है यार, तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैं फंस गया, लिखा तो मैंने है ना। एक और आलू है। क्यों? उसमें एक और चिट्ठी लिख के फेंक दो कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? एक काम कर, बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा, चलो चलो।
मित्रों, दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल ने आज मेरी दुनिया हिला दी है ये कह के कि वो हस्तशिल्पी विशेषज्ञ को बुलाएंगे। अब राइटिंग है मेरी और कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसे कहते हैं खराब किस्मत। क्या करें साहब, मेरा और जेठालाल का पासा उलट गया है। हमने तो कोशिश की थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि गुलाबों से बात हो जाए, लेकिन अब लगता है गुलाबों से बात नहीं हो पाएगी और ये पोपटलाल कहीं तिल का तार ना बना दे। कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है, सबूत मिल नहीं रहे और एक मौका था हाथ से, वो भी शायद चला गया पोपटलाल की वजह से। मित्रों, एक विशेष बात और, कल स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके भाइयों और बहनों कहने वाले संबोधन को हम आज तक भूले नहीं। वो विवेकानंद जी जिन्होंने ये कहा था कि किसी भी देश की प्रगति इस चीज से मापी जाती है कि वहां स्त्रियों को क्या सम्मान मिलता है और उन्होंने क्या तरक्की की है। आइए हम विवेकानंद जी को याद करें और उन्हें याद करके स्त्रियों को सम्मान दें, उन्हें समाज में वो स्थान दें जिसकी वो काबिल है, जिसकी वो हकदार है। अगर हम स्त्रियों के प्रति सम्मान और इज्जत का भाव रखेंगे तो शायद समाज में दुष्कर्म नहीं होंगे। और एक विशेष बात और, परसों 13 जनवरी लोहड़ी का त्यौहार है, हमारे सभी पंजाबी भाइयों को लख लख बधाइयां। लेकिन तब तक ये देखना है कि यहाँ पे कैसे बनता है तिल का ताड़, क्या करते हैं पोपटलाल, कहीं मैं ना फंस जाऊं। दुआ कीजिए हम सब के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।